हमारी इश्तों की माफ़स, हमारे नजरिए की माफ़स, पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान, इसका जग्राफिया अगर महफूज है तो पाक फौज के जवानों की शहादतों से, जवानों के खून सरहदों पर बहने की वजह से आज वो जग्राफिया महफूज है। लेकिन कुछ अरसा से हम देख रहे हैं कि दुश्मन की साजिशों का शिकार होकर हमारे अपने ही कुछ लोग नालायक अंदेश पाक फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जिंदाबाद रहेंगे। मैं शमूलियत पर आप तमाम अहबाब को, तमाम जमातों को, सिविल सोसाइटी के खास साथियों को खुश आमदीद भी कहता हूँ, बार बार निर्देश करता हूँ। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तसर बात करूँगा कि आज कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करें। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि पाक फौज या दीगर जो दिफाई इदारे हैं वो न्यूट्रल हैं। उन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि उनकी पुश्त पर से हाथ क्यों उठा लिया गया है। उन्हें वो वक्त अच्छा लगता था जब वो धरनों में कहा करते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, एम्पायर विकट उड़ाने वाला है। आज वो कहते हैं कि एम्पायर किसी और के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाजिया मौकफ है कि जिन्हें वो लोग एम्पायर कहते हैं वो एम्पायर नहीं है, वो ममलिकत खुदादाद का एक इदारा है और मुल्क की सरहदों का जामिन है। हम उसके न्यूट्रल होने की तायद व हमायत करते हैं, उसके साथ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अगर कोई इस बात का की ख्वाहिश रखता है कि वो किसी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमायत करे तो हम पाक फौज से कहना चाहते हैं कि आप अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ दुश्मन अनासर हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई हुई है पाक आर्मी के खिलाफ जो कि नहायत काबिले मजम्मत है। दो चीज़ों पे हर मुल्क का इंसार होता है, एक मजबूत मीशत और दूसरा मजबूत दफा। आज यूक्रेन की मीशत तो मजबूत थी लेकिन उसका दफा मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से रूस ने उस पर हल्ला बोल दिया। तो हमारी जो पाक फौज है ये हमारी सरहदों की महाफज है, इसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। पाक फौज है तो हमारा दुश्मन मुल्क जो नहायत ही मजबूत मुल्क है वो भी एटमी कुव्वत है, उसकी आंखों में आंखें डालकर हम सिर्फ इस वजह से बात कर सकते हैं कि हमारा अल्लाह के फजलो करम से दफा मजबूत है। दुनिया ने जब से पाकिस्तान बना है दुनिया के दुश्मन ममालक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हमेशा प्रोपागंडे और हमेशा हर किस्म की साजिशें करते रहे।